गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में ये कंसेप्ट है जिसको हम रोज़ाना इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसको प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली देखेंगे एक्चुअली में होता क्या है ग्रेविटेशन। तो बेटा ये बात है 1665 की, जब सर इसाक न्यूटन, तो आपको बहुत जाना माना नाम है फिजिक्स में, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक वो बैठे थे तो उन्होंने एक देखा कि एप्पल इज़ फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री। एक एप्पल था वो ट्री से नीचे गिरा। ये बात है 1665 की, 1665 की। एप्पल ऊपर से नीचे गिरा तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा, थिंकिंग की, उन्होंने देखा, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है फिजिक्स क्या है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, तो उन्होंने देखा कि ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, देयर शुड बी अ फोर्स, यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो इस एप्पल को नीचे लेके आई है, जिसने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है ना। तो उस वक्त बेटा नाम बताया गया, दिया गया नाम, हालांकि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है अमंग द फोर्सेज इन द नेचर, जो चार फोर्सेज और हैं हमारे, बताऊंगा सब कुछ आपको, बताऊंगा कौन कौन सी फोर्सेज हैं, जैसे न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, बहुत सारी फोर्सेज, चार फोर्सेज हैं, चार फोर्सेज में सबसे जो वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन इसको हमने कंसिडर किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोर्स। क्यों क्यों आज, क्योंकि जो बर्थ ऑफ स्टार्स है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये पूरा होल एंटायर जो मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का, वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से है। तो एक ये एक है तो सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, ठीक है, सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो नेचर में वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ओके, तो आज हम आपको बताएंगे ग्रेविटेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको इस बात का क्लियरेंस रखना है ग्रेविटेशन होता क्या है और ग्रेविटेशन का कंसेप्ट किसने दिया था। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया था सर इसाक न्यूटन ने इन द ईयर 1665। कैसे दिया था ये बात का भी ध्यान रखना कि एक एप्पल को नीचे गिरते हुए, ट्री से नीचे गिरते हुए देखा था उन्होंने, तो उन्होंने वहां से ये कंसेप्ट देखा था कि भाई यहां पे कोई ना कोई फोर्स है एप्पल और हमारी अर्थ के बीच में। तो बेटा तब उन्होंने एक कंसेप्ट दिया ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में सब कुछ आप लोगों को हम बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इसके बारे में हर एक चीज़ आपके ग्रेविटेशन के कंसर्निंग जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आज आपको ग्रेविटेशन के बारे में बताएं, तो ग्रेविटेशन के बारे में सर ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन दी सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। प्लैनेट आपको पता ही अर्थ ही है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन। तो हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट, ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट इज कॉल्ड, प्लेनेट बेटा आपको पता ही है क्या है, हमारा अर्थ है, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं उसे, ग्रेविटेशन। द कंसेप्ट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, कंसेप्ट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय सर, ठीक है, इसाक न्यूटन, ठीक है, इसाक न्यूटन। बहुत बेटा बहुत ही मेन नाम है ये हमारा फिजिक्स का चल पाना, इसके बिना फादर ऑफ फिजिक्स को हम न्यूटन को ही कहते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। तो इनका पूरा नाम था सर इसाक न्यूटन, तो न्यूटन ही अभी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, तो बाय गिवन पुट फॉरवर्ड बाय न्यूटन इन द ईयर 1665, ये इस ईयर में। और कैसे, When apple was falling down from a tree, ठीक है। तो ये हमने आप लोगों को बताया ग्रेविटेशन। अब हम आपको बताएंगे ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो ग्रेविटी बेटा पहले हम बताएंगे इसके बारे में, ये भी तो एक्चुअली अट्रैक्शन ही है, लेकिन क्या है ये बताएंगे।
ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड अ प्लैनेट। प्लैनेट क्या आ गया? अर्थ। अब इसमें और ग्रेविटेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ग्रेविटेशन में क्या है, दो अर्थ के ऊपर किसी प्लैनेट के ऊपर दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में अट्रैक्शन, ठीक है, तो उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ग्रेविटी क्या थी? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ प्लैनेट, प्लैनेट और ऑब्जेक्ट के बीच में। देखिए, अब अगर मैंने इस मार्कर को पकड़ा है, ठीक है, तो मैं छोड़ रहा हूँ ना इस ऑब्जेक्ट को, इसका कोई मास है, इसको जब मैं लीव कर रहा हूँ, व्हेन आई लीव दिस मार्कर व्हाट विल हैपन, इट मूव्स फॉलिंग डाउनवर्ड, ठीक है, ये नीचे फ्रीली फॉल करेगा, नीचे को जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्लैनेट है, और प्लैनेट क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। आगे आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आपको पता ही है, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अब एसेलेरेशन क्या है, आप लोगों को बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे भी एसेलेरेशन क्या, यहाँ पे एसेलेरेशन क्या होगा, जो जी होगा, देखो वो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे जी के साथ, जो एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वजह से एसेलेरेशन क्या होती है, वो बेटा हम याद रखना, वो जी के साथ डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू फ्रॉम दी एट दी सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वेयर, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वेयर। ये कहाँ पे है? एसेलेरेशन आना किस में आना, एसेलेरेशन किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ प्लैनेट, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। अब हमने जी आप लोगों को बताया है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वेयर, ये हमारी जी की वैल्यू है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। लेकिन बेटा एज वी आर, याद रखना कुछ बातें, ये हम प्रूव भी करेंगे, एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर हाइट और डिक्रीज, अगर मतलब कहने का मतलब, अगर हम अपनी हाइट को इंक्रीज करते हैं, जब हम डेप्थ में जाते हैं, अर्थ की डेप्थ में जाते हैं, जब हम इंक्रीज करते हैं हाइट को, तो जी डिक्रीज होगा दोनों केसेस में। एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, ठीक है, तो ये याद रखना। तो जो वैल्यू ऑफ हमारी अर्थ की, जो सॉरी एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अर्थ के ऊपर है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और याद रखना, जो मून पे है वो क्या है, मून पे अगर एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखनी है तो क्या होगा, 1/6 टाइम्स ऑफ एसेलेरेशन ड्यू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहने का मतलब 9.8 को आप 6 से डिवाइड करोगे, तो इसलिए मून के ऊपर हम, जब मून के ऊपर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वहाँ पे एक तो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, और दूसरा नंबर है, अगर हो नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा नंबर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी लेकिन है, थोड़ी बहुत है, ठीक है, लेकिन वो कितनी है, जो हमारी अर्थ पे है उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो इसलिए ये आज जो जितने भी कंसेप्ट हैं, इनके बारे में हम और भी कंटिन्यू करेंगे। ये था हमारा बेसिक लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन। थैंक यू वेरी मच।